और जो हैजेडियसली सबस्टांसिस हैं वो किस तरह इंसानी सेहत के लिए नुकसान का बास बन रहे हैं अगर उन चीज़ों को प्रॉपर एस ओ पी के तहत कंट्रोल कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी किस्म के इंसिडेंट होने से बच सकते हैं यहाँ पे जो गाइडलाइन है वो क्या है आपने देखा होगा यहाँ पे डी ए स्टूडेंट्स ये मास्क पड़े हुए हैं अब ये जो मास्क है ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में भी आते हैं और इसके अलावा हेल्थ कॉन्शियस लोग इनको वियर करते हैं द रेस्परेटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अवेलेबल टू द इंडिविजुअल हु वर्क इन हेजॉर्डियस एनवायरमेंट जो इंडिविजुअल भी हेजरडियस एनवायरमेंट में काम कर रहा है उसने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने हैं बस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने बगैर इम्प्लाई को जॉब पे जाने की इजाजत ही नहीं होती वाई बिकॉज द पफॉर्मेंस ऑफ ए रेस्परेटर कैन मीन द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ केमिकल की जगह पे आप काम कर रहे हैं कोई ऐसा केमिकल जो कि के आपके स्मोक के जरिए से वहाँ पे आपके नोज के जरिए थॉर्ट के जरिए इनहेल के स्टॉमिक में पहुँच जाता है वह तो जाके लंग्स को इफ़ेक्ट करता है तो चांसिस है कि वो चीज़ लाइफ वाली आपकी डेथ में कन्वर्ट हो सकती है इसलिए इन चीज़ों की सिग्निफिकेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते अगर इसको मज़ीद देखा जाए तो ये लेफ़्ट साइड पर मुख्तफ मशीनें दी गई हैं डी ए स्टूडेंट्स ये वाली अब ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पर हैं ये बेल्ट हैं ये हेलमेट है यहाँ पर ये वैक्यूम क्लीनर की तरह की प्रोडक्ट्स हैं इन सब को अगर देखा जाए तो ये बेसिकली हमारी सेफ्टी और हेल्थ के लिए हैं जो कि हेल्थ प्रोफेशनल चाहते हैं कि इन चीज़ों को इंशोर किया जाए ताकि आपकी रेस्परेटर मीट आलदा स्पेसिफिकेशन अब इन चीज़ों में जो अहम चीज़ मैं देख रहा हूँ वो ये है कि आपकी एयर फिल्टरिंग रेस्परेटर फिल्टर टॉक्सिकेट आउट ऑफ द एयर कि एयर के अंदर जो भी एयर बोर्न टॉक्सिक्स हैं वो किस हद तक इन चीज़ों की मदद से फिल्टर होके आपके सांस की नाली के जरिए जिसम का हिस्सा ना बने अगर यहाँ पर देखा जाए स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन को तो इसमें इस चीज़ को इंशोर किया गया है कि वो तमाम टॉक्सिक सबस्टांसिज जो इंसानी सेहत के लिए हार्मफुल हैं, उनके मुख्तफ़ सोर्स हैं अब कुछ चीज़ें डस्ट से आती हैं कुछ चीज़ें केमिकल से आती हैं कुछ चीज़ें इन्वामेंट से आती हैं कुछ चीज़ें मडी इनवायरमेंट से आती हैं जो आर्गनाइजेशन के अंदर मडी मट्टी वगैरह कीचड़ की शक्ल इख्तार कर जाती है अब इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं दीज आर डिफरेंट नंबर ऑफ़ सोर्स कि जिनकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तु किस्म के टॉक्सिक सबस्टांसिस आ सकते हैं अब इन चीज़ों को जानना बहुत लाजम है कि प्रोमिनंट अमंग दीज आर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन एंड पर्सनल इक्विपमेंट जो हमारी चीज़ें हम पहनते हैं इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन इन दिस एरिया कि वो जिस स्पेसिफिक एरिया में काम हो रहा है उसके प्रॉपर एस ओ पीज क्या हैं प्लांट के एस ओ पीज डिफरेंट हैं फिजिकल वर्किंग एन्वायरमेंट के एस ओ पीज डिफरेंट हैं अब वहाँ पर एयरबोर्न टॉक्सिक्स के अनवायरमेंट डिफरेंट हैं और सबसे इम्पॉटेंट जो इंसान वहाँ काम कर रहा है उसके अंदर इम्यूनिटी पॉल का चेक करना और तमाम टेस्ट उसके करना कहीं कोई शख्स ऐसा तो नहीं है जो कि बहुत जल्दी वहाँ पे जो डस्ट एलर्जी है उससे इफ़ेक्ट हो जाता है और वो पहले ही इस किस्म की प्रॉब्लम का शिकार है कि अगर डस्ट एलर्जी आती है तो उसकी वजह से वो जो एम्प्लॉज़ है वो अस्थमा का शिकार हो सकता है इस किस्म के एम्प्लॉज को उस किस्म के स्पेस में जाने से अवॉइड करें उस वक़्त तक जब तक वह मुकम्मल याब नहीं हो जाता स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन अगर देखे जाए तो यहाँ पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन केमिकल प्रोसेस गाइडलाइंस मुख्तल प्रोवाइड कर रही है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन केमिकल बनाने में काम कर रही है तो वहाँ पे एस ओ डिफरेंट होंगे इन रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट्स इन विच फायर एंड एक्सप्लोजन रिजल्ट फ्राम एक्सीडेंट केमिकल रिलीज कॉल केमिकल रिलीज होने से वहां पे फायर एक्सप्लोजन हो सकता है कुछ केमिकल ऐसे हैं जिनको आग जल्दी से पकड़ लेती है अब उन केमिकल को जब आप लोग डिस्चार्ज करेंगे तो प्रॉपर एस के तहत करेंगे कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्मोक डिस्चार्ज कर रही होती हैं फ़जा में तो स्मोक को इतने फासले पर जाके डिस्चार्ज करें जो कि एनवायरमेंट पोल्यूशन का बायस ना बने या कंटेमिनेटेड कुछ जहरीले मादे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन दरिया में वहाँ पर ड्रेनेज के जरिए सेंड कर रही होती है अब वो कंटेमिनेटेड वाटर जब डिस्चार्ज होगा दरिया नदी नालों के अंदर तो उसको प्रॉपर वे में डिस्चार्ज करें ताकि वो पहले उसके अंदर जो शिद्दत है वो ख़त्म हो जाए वो केमिकल की और बाद में जब वो दरिया का हिस्सा बने तो वहाँ पे अंदर जो फिश है या इस किस्म के जो एनिमल्स हैं जिनका ताल्लुक समंदर के साथ है उनकी सेहत के लिए भी वो चीज़ें नुकसान का बास ना बने अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ गाइडलाइंस हैं

किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है स्टार्ट में ही प्रिवेंटिव एक्शन कैसे लेने हैं तो इन चीजों को हम स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन में देखते हैं ई पी ए क्लीन एयर एक्ट एलिमेंट्स ऑफ बेसिकली है क्या इसमें हम लोग ये देखते हैं कि मैक्सिमम अचीवेबल कंट्रोल टेक्नोलॉजी एम ए सी टी अचीवेबल कंट्रोल टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करें जो कि मैक्सिमम अचीव कर सके आपके रिजल्ट्स को टेक्नोलॉजिकली आपको मालूम है कि आने वाला वक्त रिबोटिक्स का काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिबोट सिस्टम है वो ऑर्गेनाइजेशन में मैनुअल काम को रिप्लेस कर रहा है टेक्नोलॉजी मैनुअल काम को रिप्लेस कर रही है और यहाँ पे जो मैक्सिमम अचीवेबल कंट्रोल है वो टेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल है सच टेक्नोलॉजीज रिप्रेजेंट द करंट स्टेट ऑफ द आर्ट एंड पोल्यूशन कंट्रोल एवर चेंजिंग एवर इम्प्रूविंग

और जब टेक्नोलॉजी से आप रिप्लेस कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी क्वालिटी क्वांटिटी एनहांस हो जाएगी सुपर फंड अमेंडमेंट्स एंड रीऑथोराइजेशन एक्ट ये एक्ट भी हमें ये बताता है कि किस तरह आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लान करना है कंट्रोल करना है अवेल्यूट करना है एग्जीक्यूट करना है स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस को देखना है किस हवाले से ऑर्गेनाइजेशन के जो इंडस्ट्रियल हाइजीन और कंफाइंड स्पेसिस हैं उनको सही वे में यूटिलाइज किया जा सके अगर इसकी डेफिनेशन को डीजे स्टूडेंट देखा जाए टिल टाइटल थर्ड ऑफ द सुपर फंड अमेंडमेंट्स एंड एक्ट इज आल्सो नोन एज एमरजेंसी प्लानिंग एंड कम्युनिटी राइट टू नो सिर्फ दो चीजें हैं एमरजेंसी प्लानिंग एंड कम्युनिटी राइट टू नो कि जो कम्युनिटी है वो जाने कि वट शुड डू उन्होंने क्या करना है कैसे करना है कौन से उनके राइट्स हैं और किस हद तक उनको प्लान करना है जब आप प्लान करेंगे फिर आप उनको एग्जीक्यूट करेंगे दिस लॉ इज डिजाइन टू अलाउ इंडिविजुअल्स टू ऑबेन इंफॉर्मेशन अबाउट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लॉ का सिर्फ एक मकसद है और वो क्या मकसद है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो केमिकल यूज हो रहे हैं उनकी स्टडी और केमिकल रिएक्शन की स्टडी और वो केमिकल हैज की स्टडी ताकि जब इम्प्लाई उसको जान लेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको फिर गाइड किया जाएगा कि इनसे प्रिवेंट कैसे करना है इसको हम लोग सुपर फंड अमेंडमेंट्स एंड रीऑथोराइजेशन एक्ट बोलते हैं डी स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस स्लाइड में तीन सेक्शन यूज हुए हैं सेक्शन थ्री जीरो वन थ्री जीरो टू थ्री जीरो थ्री ये तीन सेक्शन बेसिकली जिस चीज को डील कर रहे हैं वो एमरजेंसी प्लानिंग है एमरजेंसी प्लानिंग है क्या कम्युनिटीज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म लोकल एमरजेंसी प्लानिंग कमेटीज़ एंड स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म स्टेट एमरजेंसी रिस्पॉन्स कमीशन ये ड्यूटीज़ दोनों की है ऑर्गेनाइजेशन की भी है और स्टेट की भी है अगर ये दोनों लोग अपना अपना काम सही परफॉर्म करेंगे ऑटोमेटिकली एमरजेंसी प्लानिंग को काफ़ी हद तक ये डेवलप करके प्लान करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसके साथ साथ एमरजेंसी नोटिफिकेशन को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल स्पिल्स आर रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसिस दैट एक्सीड एस्टेब्लिश्ड अलाउेबल लिमिट्स मस्ट बी रिपोर्टेड टू अप्रोप्रिएट एल ई पी सीज एल ई पी सी स्टैंड फॉर लीगल एमरजेंसी प्लानिंग कमेटी इसके साथ साथ एस सी आर सी स्टेट यहाँ पर डी स्टूडेंट्स ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो स्टेट है बेसिकली स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म स्टेट एमरजेंसी रिस्पॉन्स कमीशन स्टेट अगर कमीशन बना देता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉक्सिक सबस्टेंसी अगर ज़्यादा यूज हो रहे हैं अलाउएबल यूनिट से अलाउएबल लिमिट से तो वहाँ पर इसकी रिपोर्ट होना लाजम है क्यों रिपोर्ट होना लाजम है ताकि इमिजिएट एमरजेंसी नोटिफिकेशन में ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके कि वो ऑर्गेनाइजेश अपने एस ओ पीज को एक्सीड कर रही है जो कि किसी भी इम्प्लाई के लिए हार्मफुल हो सकता है